नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां और उनके नेता कई कोशिशें कर चुके, लेकिन पहले साल 2014 में उन्हें शिकस्त मिली, फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और अब साल 2024 के चुनावी जंग में मोदी को टक्कर देने के लिए एक बार फिर से नेताओं में होड़ मच गई। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए उम्मीदवार बताकर सियासत गर्मा दी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपने नेता अरविंद केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार बताकर ऐलान कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सही मायने में मोदी के मुकाबले केजरीवाल कहां ठहरते हैं, ये जानना है तो हाल ही में आया एक सर्वे देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की चाहत तो वैसे हर नेताओं में होती, यही वजह है कि तमाम पार्टियां अपने नेता को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताती रही। लेकिन नेताओं की बातों का क्या, वो तो नेता है और चाहे तो अपने नेता को चांद पर भी चुनाव जितवा दे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने की बात कही है और केजरीवाल को मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे मजबूत नेता बताया, आम आदमी पार्टी का ये दावा कहां तक सही साबित होता है, ये तो फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हाल ही में आए कुछ सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल कितने लोकप्रिय हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल इसी महीने 11 अगस्त को इंडिया टुडे का एक सर्वे आया था, मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की लोकप्रियता अब भी बरकरार, जनता उन्हें आज भी पीएम पद के लिए बेहतरीन उम्मीदवार मानते। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी को 53% लोग पीएम पद के लिए पहली पसंद मानते, 9% लोगों ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को बेहतर उम्मीदवार माना। केजरीवाल इस रेस में तीसरे नंबर पर है, जिन्हें 7% लोगों ने पहली पसंद बताया। ये सर्वे बता रहा है कि मोदी से टक्कर लेने चले अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री पद के दमदार उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी पिछड़ते नजर आ रहे। इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद सरकार चला रहे केजरीवाल का जो जलवा विधानसभा चुनावों में अब तक देखने को मिला, वो जलवा लोकसभा चुनावों में नहीं दिखता। तभी तो 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर पाएगी। इतना ही नहीं, साल 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने वाले केजरीवाल को न सिर्फ उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, बल्कि सैकड़ों उम्मीदवारों को लड़ाने के बावजूद पार्टी को सिर्फ पंजाब में 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं 2019 में पार्टी को महज 1 सीट पर जीत नसीब हुई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।